हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची के गुट्टे का अचार। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम मिर्ची साफ धो के मैंने साफ कपड़े से पोंछ के काट लिए। और अब इसमें मसाला क्या क्या ऐड करना है? यहाँ मैंने एक मुट्ठी भर के दाना मेथी लिए साबुत, ये 2 मुट्ठी, बस इतनी मेथी दाना डालेंगे। और ये 2 चम्मच के लगभग कलौंजी, तो कलौंजी लेंगे ये 1 चम्मच। ये 2 चम्मच कलौंजी। और अब हम लेंगे राई और सौंफ। तो यहां मैंने 5 चम्मच के लगभग राई ली है। और 5 चम्मच ही सौंफ लेंगे। अब इसको दरदरा पीस लेंगे। मेथी साबुत डालेंगे, कलौंजी और मेथी, और ये पीस लेंगे दरदरी। तो ये देखिए, ये मैंने दरदरा पीस लिया है ऐसा। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अब मिर्ची में डालेंगे नमक और हल्दी। यहां मैंने फुल चम्मच हल्दी ली है। और ये 1 चम्मच नमक। अब ये पिसा हुआ मसाला इसमें डालेंगे। और ये 2 चम्मच कलौंजी और 5 चम्मच मेथी की, ये इसमें डालेंगे, ये साबुती डालेंगे। क्योंकि मेथी भीगने के बाद इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है। अब इन सबको हिला के रख देंगे। अच्छे से मिला के इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और फिर तेल गरम करेंगे। ये मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए। अब इसको ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, रात को मैंने तेल गरम करके ठंडा करने के लिए रख दिया था और अभी मैंने इसमें तेल मिला दिया है। ये देखिए, एक दिन तक मैंने सारे मसाले ऐसे ऐसे ही मिक्स करके मिर्ची को छोड़ दिया था रात भर, क्योंकि मेथी फूल गई है अब। और सीधा तेल डालने में, मेथी फूलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने अब तेल डाला है। रात भर छोड़ दी मिर्ची,
मेथी फूल गई अच्छे से, और अब तेल डाल दिया है। मिर्ची बन के तैयार है। अब कल परसों तक इसको खा सकते हैं, मतलब 2 दिन के बाद इसको खा सकते हैं। और वैसे अपन हैंड टू हैंड तेल डालते हैं तो फिर 4-5 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि मेथी इतने जल्दी फूलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करना ऐसे बना के, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।